सभी कर्मचारी साथियों का नमस्कार। मैं गजेंद्र विश्नोई एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीपीए प्रपोजल यानी समूह दुर्घटना बीमा 2024, जिसे आप लोगों को किस प्रकार से भरना है। अब कई कर्मचारियों के मन में ये भी है कि हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैंने पिछले साल भर दिया था, क्या मुझे इस साल भरना है? मैं न्यू पोस्टेड हूँ, क्या मुझे भरना अनिवार्य है? यदि भरना है तो मुझे नॉमिनी कैसे ऐड करना है? मेरे नॉमिनी का नाम ही नहीं आ रहा है, मैं उसको भर ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे भरूँ? मैंने भर दिया है लेकिन उसका प्रिंट लेना भूल गया हूँ, तो कैसे प्रिंट निकालूँ? यानी बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास। और मुझे कितना करवाना चाहिए, 700, 1400, 2100? मैं इनमें से कोई कटौती करवाना ही नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी मुझे DDO की तरफ से प्रेशर किया जा रहा है कि आपको कटौती करवानी ही है, ये 3 ही स्लैब है, ये क्या स्थिति है, इस पर अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस बताऊंगा, आदेश क्या है, आप लोगों को किस प्रकार से करना है, उसके बाद आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत नॉमिनी को कैसे ऐड करेंगे, उनके खाता नंबर को कैसे ऐड करेंगे। वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि अपन लोग इस सामूहिक दुर्घटना बीमा से संबंधित जो भी बातें हैं उन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, एक बार पुनः अपन लोग वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले निवेदन रहेगा, आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, अपन लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस आदेश पर। यह आदेश क्या है, हर साल जारी होता है सर्कुलर, इसमें 27 मार्च 2024 को यह ऑर्डर जारी हुआ है। इसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है, वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक इतने इतने के तहत राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वैकल्पिक लागू की गई है। अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक है। ठीक है, ये पहला शब्द आप लोग पढ़ सकते हैं। उक्त योजना के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों जिनमें जिला परिषद पंचायत समितियों कर्मचारी एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है, विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु के जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित तालिका में अंकित श्रेणियों में से कर्मचारी द्वारा चयन की गई किसी एक श्रेणी के अनुसार बीमा धन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राज्य कर्मी पॉलिसी राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। अब देखिए साथियों, इसमें यदि आप लोग 700 रुपए कटवाते हैं सैलरी से, अप्रैल की सैलरी जो आपको 1 मई को दे होगी, उस सैलरी से आप लोगों को ये डिडक्शन करवाना है। किसी कर्मचारी की किसी कारणवश सैलरी नहीं बनती है या किसी कारणवश उसकी सैलरी से आप लोग काटना भूल जाते हैं, तो जीपीए प्रपोजल 31/5 यानी हर साल 31 मई तक आप लोगों को जीपीए प्रपोजल और उसकी राशि जो चालान के द्वारा है या सैलरी के द्वारा जमा करवा देनी जरूरी है। जिन भी कर्मचारी का जो लंबे समय से छुट्टी पे चल रहे हैं और वो 31 मई तक उनकी सैलरी प्रोसेस नहीं की जानी है, तो उस कर्मचारी का चालान बनवा सकते हैं। ठीक है, और अब देखें, यदि आप 1400 रुपए करते हैं तो 20 लाख रुपए का बीमा कवर होगा और 2100 करते हैं तो 30 लाख रुपए का बीमा। मैं सभी कर्मचारी साथियों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, अपनी जीवन है वो बड़ा अमूल्य है। आप लोग यदि केवल 700, 1400 या 2100 रुपए देकर के एक साल, यानी ये 2100 रुपए में एक साल तक आपकी वैल्यूएशन है वो 30 लाख रुपए बना रहे हैं। भगवान नहीं करे किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो, लेकिन जब हो तो पीछे परिवार पे जो समस्याओं के पहाड़ टूटते हैं उसमें छोटा सा ये सहारा अवश्य बन सकता है। इसीलिए आप लोगों इस बीमा को जितना हो सकता है अधिकतम करवाइए, 2100 रुपए ही करवाइए, ताकि ऐसा नहीं हो कि पीछे वालों को फिर मेरे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ऐसा नहीं किया था, उनके मन में था कि नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती उनको मोटिवेट करके 2100 रुपए करवाया और भगवान ने ऐसी ट्रेजरी की कि वो साथी इस दुनिया में आज नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को है वो संबल प्रदान करने के लिए 30 लाख रुपए काफी होते हैं। इसीलिए साथियों, होता कुछ भी नहीं है, अपन लोग ये सोचते हैं कि यार क्यों 2100 रुपए गंवाने, अपने को तो कुछ नहीं होना है, लेकिन होनहार को कोई नहीं पहुंच सकता है, कब क्या हो जाए कुछ भी मालूम नहीं। इसीलिए एक परिवार का सदस्य होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते निवेदन करूंगा, आप लोग अधिकतम बीमा करवाइए, ठीक रहता है। वे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 30 अप्रैल 2024 से इससे पूर्व है, उनका प्रीमियम दिनांक 31 मई तक साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है, वह सभी कर्मचारी दिनांक 1 मई 2024 से कवर माने जाएंगे। वे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 मई 2024 से इसके पश्चात है और उनकी प्रीमियम प्रोरेंटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के संबंधित बजट हेड में जमा हो गया है, प्रीमियम जमा तिथि से कौन माना जाएगा। अब साथियों, यहाँ ये भी होता है, जो कर्मचारी इनमें से किसी भी प्रकार की स्लैब को सिलेक्ट नहीं करता है उनके लिए साथियों 5 लाख रुपए का, जो भी वर्तमान में आयुष्मान मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना चलती थी, उसकी जगह पर अब आयुष्मान
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना चल रही है, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है यदि आप इनमें से कोई स्लैब सेलेक्ट नहीं करते हैं तो। अब अपन लोग जानते हैं प्रोसेस इसका, कैसे आप लोग जीपीए प्रपोजल भरेंगे। जीपीए प्रपोजल भरने के लिए वही आप लोग एसएसओ पे जाइएगा या स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आप लोगों को ऐप पे क्लिक करना है गवर्नमेंट ऐप को सेलेक्ट रखते हुए, ठीक है। आप लोग इस पे जाएंगे तो वही आपसे ओटीपी मांगा जाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको डालिए, आप लोग पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आप लोगों को साथियों जीपीए पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग जीपीए पे क्लिक करते हैं आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो प्रपोजल का, एक डिपोजिट का। यदि आप केवल प्रपोजल भरना चाह रहे हैं, यहाँ प्रपोजल उनको भरना है जिनको पिछले साल उन्होंने नहीं भरा या आपकी बार भरना चाह रहे हैं। दो कंडीशन है, या तो आप स्लेब में कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, पिछले साल जैसे मैंने 2100 रुपए कटाए वही नॉमिनी है, वही रुपए रखने हैं मुझे, इस साल भी मुझे 2100 ही कटवाने हैं, वही नॉमिनी रखना है तो मुझे दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं नॉमिनी चेंज करना चाहूं या उसकी स्लेब को चेंज करना चाहूं तो मुझे भरना है, ठीक है साथियों। आपने जो जो प्रपोजल भरे होंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आएगी। जैसे ही मैं प्रपोजल पे क्लिक करता हूं तो आज तक पूरे मेरे द्वारा 3 तरह के प्रपोजल भरे गए हैं। मैं हर बार ये डीडीओ कोड दिख रहा होगा या अमाउंट, पहले 220 रुपए चलते थे 21-22 में उस समय, फिर 23-24-22-23 के अंदर मैंने 1400 रुपए करवाए, 23-24 के अंदर मैंने 2100 रुपए करवाए, वो कब से कब रिस्कवर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं व्यू डाउनलोड्स तो मेरा प्रपोजल मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। यदि आप इसी को मैं इस साल भी ये सेम ही रखना चाह रहा हूँ तो मुझे दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो साथी न्यू पोस्टेड है वो जैसे ही इस पे जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करेंगे तो नो डाटा फाउंड आएगा और ये खुलेगा यहाँ, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भरा हुआ नहीं होगा इसलिए ऐसा आएगा। आप लोग यहाँ एड न्यू जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करेंगे, आपको न्यू जीपीए प्रपोजल भरना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल आपके सामने आएगी। यहाँ पे प्रीमियम यानी स्लैब आएगा, कौन सा स्लैब आप कटवाना चाह रहे हैं। जीपीए प्रीमियम यदि 350 रुपए तो गवर्नमेंट वहन कर रही है। अब पहले 1000, 2000 और 3000 रुपए कटौती होती थी, उसमें अब गवर्नमेंट ने 1000 उसके बाद 1400 की जगह 1750 होते थे, 350 गवर्नमेंट के द्वारा वहन किए जा रहे हैं हर स्लैब में। तो आपके 1000 रुपए यदि आप हैं तो 750 रुपए कटवाएंगे, 700, 1400, 2100 रुपए अभी वर्तमान के अंदर 3 तरह की स्लैब है। आप लोग यहाँ से जैसे मैं जो स्लैब कटवाना चाहूँ वो सेलेक्ट करूंगा, मैं यदि 2100 कटवाना चाहूँ तो 2100 की स्लैब करूंगा, या 1400 कटवाना चाहूँ या 1700 कटवाना चाहूँ। अब 2100 रुपए जैसे ही मैंने किया, 2100 करते ही साथियों यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, आर यू करंटली सर्फिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। आप लोग इसको सेलेक्ट नहीं करना, यदि सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग इसके एलिजिबल नहीं है। अब आप लोगों को नॉमिनी सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नॉमिनी। यहाँ पे कई साथियों को दिक्कत आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जिनकी न्यू कार्मिक आईडी एसआईपी पोर्टल के माध्यम से बनाई गई थी तब, यानी उन्होंने स्कीम के अंदर जीपीए यदि स्कीम सेलेक्ट नहीं की और उनके परिवार के सदस्यों के जो नाम लिखने होते हैं उनमें से यदि परिवार के मेंबर्स के नाम नहीं लिखे तो नॉमिनी में अंदर उनका नाम नहीं आएगा। उस समय यदि आपके फैमिली डिटेल्स में मिस्टेक्स हैं या आपके फैमिली डिटेल सदस्यों को आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने एसआईपी पोर्टल के माध्यम से जाकर के, वहां से आप फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी में नाम उसका तभी दिखेगा जब उसकी कर्मचारी आईडी बनाते समय एसआईपी पोर्टल के माध्यम से डीडीओ महोदय की एसएसओ आईडी से उनकी कर्मचारी आईडी बनी थी उस समय यदि उन्होंने उस स्कीम को सेलेक्ट किया है। स्कीम सेलेक्ट करनी होती है, स्कीम जैसे उन्होंने जीपीएफ वगैरह स्कीम यदि एसआई स्कीम सेलेक्ट की थी तो ही नॉमिनी आएगा। यदि आपने सेलेक्ट नहीं की है, आपका नॉमिनी नहीं आ रहा है तो आप लोग एसआईपीएफ डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा, अपने जिले के जीपीएफ ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा, वहां से आपकी स्कीम एड होगी। स्कीम एड होने के बाद ही आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से आपके नॉमिनी एड करने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। इसीलिए जिनके नॉमिनी नहीं दिख रहे हैं, नॉमिनी की दिक्कत आ रही है, एक बार पुनः बता दूं आप लोगों को, जीपीएफ कार्यालय या जिसे राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला हेडक्वार्टर का जो आपका ऑफिस है, जो आपकी यूनिट है, वहां से आप लोगों को ऐड करवाना होगा। पहले डीडीओ लेवल से ऐड हो जाता था, अब डीडीओ लेवल से ऐड नहीं हो पा रहा है। अब मेरे परिवार के 4 लोग हैं, 4ों के नाम दिख रहे हैं, मैं जिनको भी नॉमिनी बनाना चाह रहा हूं। अब देखिए साथियों सभी के 00 शेयरिंग आ रहा है, मैं इनको वाइफ को ही नॉमिनी बनाना चाहूं तो जीपीए शेयर पे यहाँ जो पेंसिल का निशान दिखेगा इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते ही साथियों यहाँ नाम जीपीए आ जाएगा। यदि आपके वहां स्कीम एड नहीं है, आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, फैमिली मेंबर एड है लेकिन स्कीम यदि एड नहीं है एसआईपीए पोर्टल पर, तो यहाँ जीपीए नहीं दिखेगा और आप लोग नॉमिनी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, परसेंटेज शेयर नहीं कर पाएंगे। वो ही वापस बता दूं, जीपीए नहीं दिखता हो तो एसआईपीएफ कार्यालय से ऐड करवाना पड़ेगा। यहाँ शेयर आप लिखिए और यहाँ पे सेव करिए। सेव करते ही साथियों देखिए वो सेव हो जाएगा। अब देखो
ये यहाँ 100% हो गया जीरो की जगह, हो गया ना। यानी इनको वाइफ को मैं वो 100% नॉमिनी शेयर करना चाह रहा हूं, तो 100% हो गया। अब ये करने के बाद आप लोगों को सबमिटली करना है, फाइनली सबमिट विद आधार। आप लोग सबमिट विद आधार करेंगे, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़े हैं उस पर ओटीपी जाएगा, सबमिट ओटीपी करिए और आपका वो पीडीएफ खोल के सामने आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा, वो ठीक है, ओके है, ठीक है। अब आप पहले तीन थे, अब चार हो गए, पहले तीन थे अब चार प्रपोजल हो चुका है 24-25 के लिए, मैंने ये भर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका स्लेब भी चेंज नहीं है, नॉमिनी भी चेंज नहीं है, तो आप लोग इसको नहीं भरे। मैंने ये आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने के लिए भरा है। और यदि आप भर भी देते हैं, पहले वाला सेम है और वापस वो ही भर रहे हैं, तो कोई उसका रिएक्शन नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप लोग ये कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ मैंने इस साल भी भरा है, आप लोग भरिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये जीपीए प्रपोजल भर दिया। और आप लोग यदि सैलरी से नहीं कटवा पाते हैं, उसको बाद में भरना चाह रहे हैं चालान के माध्यम से, तो आप लोग चालान से भी भर सकते हैं। आप लोग वापस आप बैक टू एसएसओ चले जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाकर के बैक टू एसएसओ जाकर के। साथियों आप लोगों को यहाँ पहले ये गवर्नमेंट ऐप वाली थी, अब इस इंडिविजुअली जो सिटीजन ऐप्स होती हैं गवर्नमेंट जी टू सी, ये तो होता है जी टू जी और ये होता है जी टू सी। जी टू सी में जाना है, यहाँ पे आप लोगों को उस पोर्टल पर जो मैंने चर्चा की थी मुख्यमंत्री आयुष्मान वाला, उस पोर्टल पर जाकर के नॉमिनी के बैंक अकाउंट को ऐड करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है दुर्घटना, इसमें सर्च में क्या लिखेंगे साथियों, दुर्घटना लिखेंगे, दिया आएगा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। पहले आता था मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, अब आ रहा है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते थोड़ी देर आप लोगों को रुकना रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना जीपीए प्रपोजल वाले पोर्टल पर ले जाएगा। यहाँ पे आप लोग कर्मचारी विवरण पे क्लिक करेंगे, कर्मचारी विवरण पे क्लिक करते ही प्रस्ताव जीपीए प्रस्ताव प्रपत्र आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रस्ताव प्रपत्र भरा है वो आपके सामने दिखे। यहां आप लोग क्या वर्दीधारी पुलिसकर्मी आप लोग यहां नहीं करिएगा, यहां आप लोगों ने कितनी किस्त है वो करी है 700, 1400, 2100 वो आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। फिर आपके परिवार के मेंबर आपको यहां दिखेंगे, उनमें से किसी के भी खाता नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग यहां जैसे सेलेक्ट करते हैं कि मुझे तो इनको नॉमिनी बनाना है, इनको सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आता है कि नामांकित व्यक्ति चुनने के लिए कृपया बैंक विवरण और शेयर प्रतिशत को अपडेट करें। तो आप लोग क्या करिएगा, ये जो पेंसिल का निशान दिख रहा है इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे, या जिसको नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं वो आप इसमें नहीं है तो आप लोग यहां से नॉमिनी जोड़ भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे ही उस पेंसिल के निशान पे क्लिक किया तो जो नॉमिनी है उनका यदि नाम ठीक नहीं है तो आप लोग नाम ठीक करिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक करिए, आप उनके साथ क्या रिश्ता है, यहाँ उसका खाता नंबर डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, शेयर 100% देना चाह रहे हैं सहजे करिए। जैसे आप सहजे करेंगे तो उस कर्म उस जो जिसको भी आपने सेलेक्ट किया था उनके बैंक डिटेल वगैरह सब ऐड हो गई, और अब आप इसको सेलेक्ट करिए नॉमिनी के लिए और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को अलाउ करिए। और यहाँ पे साथियों नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आएगा सत्यापित करें, जैसे आप लोग सत्यापित करेंगे ये डाटा आपका सत्यापित हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग नॉमिनी को भी मुख्यमंत्री आयुष्मान मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसमें ऐड कर सकते हैं। वर्तमान समय में यदि कोई टेक्निकल एरर चल रहा हो, देखिए साथियों मेरे सामने भी एक टेक्निकल एरर आया था, बीमा किस्त अनिवार्य आप वर्दीधारी पुलिसकर्मी है या नहीं, ये दो ऑप्शन, वर्दीकर्मी यदि नहीं है और आपने बीमा कितना किया है वो आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य होता है। अब जैसे ही मैं करता हूं तो वर्तमान में प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने की अनुमति केवल पुलिस के लिए है, ये साथियों इसीलिए है अभी नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, ये 30 अप्रैल के बाद जो जो प्रपोजल भर देंगे उन सभी के लिए ये हो जाएगी प्रारंभ।